Namaste I am Ayush Mudgal from Faculty of Law and Governance Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur My subject is Property Laws and Easement This is session 2 Concept of Property Distinction between Immovable and Movable Property So uh, in last lecture we have uh, the general understanding of where Transfer of Property Act apply and where uh, it doesn't apply or what is the applicability of this act and uh, now we will discuss what is the extent what is the scope of this uh, transfer of property act so start with section 1 of this act uh, in section 1 this is clearly written that generally the uh, generally this act applied to immovable property but some portion of this act is also applicable to the movable property also Key section 5 to 37 is specifically deals with the movable property now what is the application of this act this act is applied to whole of india in first instance फर्स्ट ऑफ जुलाई एटीन एटी टू को जब ये एक्ट uh, के केम इन टू फोर्स दैन इट वॉज एप्लीकेबल इन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट पार्ट बी स्टेट्स कौन कौन से थे Bombay, Punjab, स्टेट ऑफ बॉम्बे स्टेट ऑफ पंजाब एंड स्टेट ऑफ डेली इन तीन स्टेट्स के अलावा पूरे इंडिया में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल था बट सम कंडीशन रिलेटिंग टू इट अगर स्टेट चाहे तो इन स्टेट्स में भी जो कि पार्ट बी स्टेट है उनमें भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को एप्लीकेबल कर सकती है थ्रू नोटिफिकेशन वाइट इज सो क्योंकि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड लॉज कंकरेंट लिस्ट में आते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द कंकरेंट लिस्ट इसलिए दोनों ही स्टेट एंड यूनियन कैन मेक लॉज ओवर देयर सो इन दिस सेक्शन वन पार्ट वी स्टेट्स स्टेट ऑफ बॉम्बे स्टेट ऑफ पंजाब एंड स्टेट ऑफ डेली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक एप्लीकेबल एप्लीकेबलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट थ्रू नोटिफिकेशन ना इन सेक्शन टू सेक्शन टू इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर दैट इज़ रिटर्न वेन एवर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विल विल मेक एप्लीकेबल बाई स्टेट बाई नोटिफिकेशन इन दिस एरिया देन उस समय कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो एप्लीकेबल होने जा रहा है वो अफेक्ट नहीं करेगा कौन कौन सी कंडीशन हैं वो जैसे कि एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको प्रोविज द प्रोविजन्स ऑफ एनी एनेक्टमेंट नॉट हेयर बाई एक्सप्रेस रिपील्ड ऐसा कोई भी प्रोविज़न जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब एप्लीकेबल हुआ उससे पहले चला आ रहा है उस एनेक्टमेंट को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी प्रभावित नहीं करेगा उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जैसे कि अगर 1882 एटी क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट एटीन का है तो जैसे ही एप्लीकेबल होगा 1882 से जितने भी रिलेटेड इंस्टेंसेस है जितने भी रिलेटेड लॉज हैं एप्लीकेबल होंगे बट इन इस सेक्शन टू में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी अग्रीमेंट है कोई भी ट्रांसफ़र है जो कि 1882 से पहले किया जा चुका है और जब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है तो वो एक्ट उस प्रीवियस जो भी ट्रांजेक्शन uh, हो चुका है उसको अफेक्ट नहीं करेगा जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 1881 में वन में मॉर्गेज किया है विदाउट रजिस्ट्री एग्जांपल देते हैं क्योंकि मॉर्गेज के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है अगर विदाउट रजिस्ट्री 1881 में किसी ने मॉर्गेज किया है मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट किया है और जैसे ही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल हुआ तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग मॉर्गेज के लिए एसेंशियल है उसका रजिस्ट्रेशन बट विदाउट रजिस्ट्रेशन मॉर्गेज हो चुकी है तो वो अफेक्ट नहीं करेगा उस राज्य ये सेक्शन टू में लिखा हुआ है इसमें चार कंडीशंस हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सेक्शन टू की ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विल नॉट एप्लीकेबल टू रूल ऑफ मोहमदा लॉ मीन्स मुस्लिम लॉ पे चैप्टर टू अप्लाई नहीं होगा या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होगा इसका जनरली मिस इंटरप्रटेशन हो जाता है कि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कोई भी प्रोविज़न मुस्लिम लो मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता है ऐसा नहीं है अगर इसका इंटरप्रिटेशन देखा जाए तो मतलब यह है कि पूरा एक्ट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सभी पे लागू होगा जहाँ भी जिस भी स्टेट में अप्ली, अप्लीकेबल है वहाँ एप्लीकेबल होगा बट अगर कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रा कॉन्ट्रवेंशन होता है ऐसा कोई प्रोविज़न है जो कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी में भी है और मुस्लिम लॉ के अंडर भी है और दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो इन दैट केस मुस्लिम लॉ विल प्रिवेल जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया है कि कस्टमरी लॉ सब सबसे नीचे होता है जनरल लॉ देन कस्टमरी लॉ और उससे ऊपर होता है पर्सनल लॉ पर्सनल लॉ हमेशा प्रिवेल करता है इन एनी कंडीशन अगर पर्सनल लॉ और कस्टमरी लॉ में प्रॉब्लम आती है तो कस्टम पर्सनल लॉ प्रिवेल करेगा अगर पर्सनल लॉ और जनरल लॉ में कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो भी पर्सनल लॉ प्रिवेल करेगा सो so, पर्सनल लॉ इज़ सुप्रीम इन दिस केस इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इफ देर इज़ एनी प्रोविज़न जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी है और मुस्लिम लॉ में भी है और दोनों की कंडीशंस में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो इस केस में मुस्लिम लॉ प्रिवेल कर जाएगा ये कहने का मतलब है कि चैप्टर टू विल नॉट एप्लीकेबल टू मुस्लिम लॉ एग्जांपल अगर गिफ्ट की बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गिफ्ट जनरली कहा गया है कि गिफ्ट रिटर्न होना चाहिए रजिस्टर्ड होना चाहिए इसके अलावा गिफ्ट डीड में रिटिन अटेस्टेड एंड रजिस्टर्ड प्लस गिफ्ट जैसे ही डीड बनी उसके बाद डिलीवरी ऑफ पोजीशन इज नॉट एसेंशियल गिफ्ट डीड इज मोर देन सफिशिएंट फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसी चीज का गिफ्ट करना है किसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना है उसका रिटर्न एक डॉक्यूमेंट हुआ अटेस्ट हुआ वो रजिस्टर हो गया और उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी आवश्यक नहीं है डिलीवरी ऑफ पोजिशन इज नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और अटेस्टेशन ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक गिफ्ट से रिलेटेड प्रोविज़न है बट अंडर मुस्लिम लॉ गिट अंडर मुस्लिम लॉ गिफ्ट इज़ कॉल्ड हेवा हेवा में जरूरी नहीं है रिटर्न ही ओरली हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण हवा के अंडर डिलीवरी ऑफ पोजीशन इमीडिएट होना जरूरी है तो दोनों चीज़ें जब कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही हैं कि एक ही प्रो, एक ही प्रोविजन है बट दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अंडर पर्सनल लॉ एंड अंडर जनरल लॉ देन मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ विल दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस एट चैप्टर टू विल नॉट एप्लीकेबल टू मुस्लिम लो उसके अलावा एग्जाम्प एग्ज़ाम्पल लें तो सेक्शन थर्टीन एंड सेक्शन फोर्टीन जो कि ट्रांसफर टू अनवन पर्सन है राइट अगेंस्ट परपेचुटी है जनरली अनवोन पर्सन को ट्रांस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता उसकी कुछ कंडीशन है ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट में बट मुस्लिम लॉ के अंडर अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफ़र किया जा सक किया जा सकता है तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे भी मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रवेल कर जाएगा 1929 तक जिस प्रकार हम मुस्लिम्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि मुस्लिम लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होता है 1929 तक सेम चीज़ हिंदू पर्सनल लॉ की भी थी कि अगर जनरल लॉ और हिंदू पर्सनल लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो हिंदू पर्सनल लॉ बिल प्रवेल बट 1929 के बाद शब्द हिंदू को हटा दिया गया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से और जनरल सेंस में लिया जनरल हिंदू हिंदूज को जनरली एप्लीकेबल कर दिया हिंदूज़ पर जनरली एप्लीकेबल कर दिया गया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट but uh, there is uh, muslim law muslim law principle muslim law is exempted in some cases as i have uh, explained to you uh, under section 2 now let's uh, move uh, uh, to towards section 3 section 3 is definition part interpretation clause where there is difference between

जिसके पास यह पर्सन वो होता है जिसके पास कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं राइट्स इसके भी एक्सेप्शन हैं कई के कि किसी जगह पे ह्यूमन पर्सन को सिर्फ वही मान लिया जाता है जिसके पास सिर्फ राइट्स और लाइबिलिटी ज़रूरी नहीं है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है डेड बॉडी के संदर्भ में बट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का जनरल मीनिंग होता है बंडल ऑफ राइट्स प्रॉपर्टी का मतलब है बंडल ऑफ राइट्स एक क्वांटम ऑफ राइट्स होता है ऐसी कोई भी चीज़ जिससे कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ जन्में उत्पन्न हो जो कि एंजॉय करता है जो किसी चीज़ से अगर राइट्स एंड ड्यूटीज़ अराइज़ हो रही हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं प्रॉपर्टी और जो उन राइट्स एंड ड्यूटीज़ को एंटरटेन uh, कर रहा है उसको पर्सन कहते हैं सो बेसिक डिफरेंस ये है इन इन क्रिमिनल लॉ बट यहाँ पर जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहीं भी प्रॉपर्टी डिफाइंड नहीं है बट एक बहुत वाइड सेंस में इसका यूज़ होता है प्रॉपर्टी शब्द का प्रॉपर्टी सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टी तक ही सीमित नहीं है बट इसके अलावा इट इंक्लूड्स राइट्स एंड इंटरेस्ट और अगर किसी भी एक्चुअल फिजिकल ऑब्जेक्ट से कोई भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज़ हो रहे हैं तो उन जो कि मैंने कहा था कि बंडल ऑफ राइट्स हैं उसको भी प्रॉपर्टी माना जाएगा एग्ज़ाम्पल किसी भी रिलीजियस एंडाउनमेंट कोई भी रिलीजियस एंडाउनमेंट है जैसे कि मठ मठ का जो हेड होता है उसके पास कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं उस राइट्स को जो कि जिस एंडाउनमेंट से जो कि मठ से जो भी राइट्स अराइज हो रहे हैं उन राइट्स को अपने आप में एक प्रॉपर्टी उसको प्रॉपर्टी कहा जाएगा क्योंकि राइट प्रॉपर्टी का मतलब होता है बंडल ऑफ राइट्स ज़रूरी नहीं है फिजिकल तक ही सीमित नहीं है इसमें और भी काफ़ी चीज़ें जैसे कि एक्शनेबल क्लेम एक्शनेबल क्लेम को भी प्रॉपर्टी कहा जा सकता है राइट टू री ऑफ अ लैंड ये चीज़ें फर्दर वी विल डिस्कस इसके अलावा राइट टू ऑफ्टन शेयर इन अ कंपनी किसी भी कंपनी में कोई भी शेयर प्रॉफिट है उस प्रॉफिट है या राइट टू ओवटेन शेयर इन ए कंपनी कंपनी से कंपनी ने अगर कंपनी अगर पब्लिक है उसने शेयर्स ईशू कर रखे हैं तो उन शेयर्स को ओवटेन करने का जो हमारे पास राइट है वो भी प्रॉपर्टी कहलाएगा कोई भी राइट हो इस कहने का मतलब यही है कि सिर्फ़ प्रॉपर्टी एक फ़िज़िकल चीज़ ना रहकर बंडल ऑफ राइट्स को भी हम प्रॉपर्टी कहेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में इंक्लूड करेंगे उसके बाद हम जानेंगे कि इम, डिफरेंस क्या है मूवेबल और इमूवेबल में ऐसा डिफरेंस लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी सिर्फ प्रॉपर्टी से काम क्यों नहीं चला इसके इसके साथ साथ प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी क्या होता है ओनर या जिसके पास भी प्रॉपर्टी है ओनर या जो भी है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या है एक प्रॉपर्टी में कितने प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं एक ओनर कितने प्रकार के इंटरेस्ट अपने पास रख सकता है उनको कितने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है क्या क्या ट्रांसफ़र कर सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वहाँ उसके अलावा हम कॉन्सेप्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आप एक बार सेक्शन ट्वेंटी टू आई थिंक आई एम अगर गलत भी हो तो सेक्शन ट्वेंटी टू या ट्वेंटी फोर आई थिंक ट्वेंटी टू है आई पी सी का उसको एक बार पढ़ें इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की एक बीर एक्ट लें उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो भी डेफिनेशन है वो एक बार आ, पढ़ें उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोवल प्रॉपर्टी व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज़ प्रॉपर्टी थैंक यू